इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जर्मनी के शहर बर्लिन में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट है और हिटलर अपने कोच के साथ वॉर और नाजिश के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है हिटलर अपने कोच से कहता है कि उसे नाजिस का ग्रीटिंग स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है वो नाजिस के ओल्ड फैशन स्ल्यूट स्टाइल को चेंज करता है अब सीन में हम देखते हैं की हिटलर कहीं बेहोश है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है की कि वो किसी जंगल में है वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो उसे एनिमीज एयरक्राफ्ट नजर नहीं आ रहे थे और वो खुद ही एज्यूम करता है की वो लोग काम कर रहे होंगे इसी सब सोचो के दरमियान उसके पास एक बॉल आकर रुकती है वो जैसे ही इन बुशेस में से उठता है तो उसे एक बिल्डिंग नजर आती है जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे वो दिल में उन बच्चों को देख सोचता है की ये हमारी नेशन का फ्यूचर होंगे और यही पर वो बच्चे उसके पास अपनी बॉल लेने आते हैं लेकिन उसकी खराब हालत को देख उससे पूछते हैं की क्या तुम ठीक हो और यहाँ वो बच्चों से एक फरहर स्ट्रीट के बारे में पूछता है इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर फेबिन भी इन बच्चों की फुटबॉल गेम को कवर कर रहा था और उसकी इस वीडियो के अंदर हिटलर का फेस भी कैच हो जाता है हिटलर जमीन से अपनी आर्मी कैप उठाता है और उसे सर पर पहन कर फरह स्ट्रीट की तरफ चल देता है वो जैसे ही रोड पर आता है तो सारे लोग उसे देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे लोग उसके पास आ आकर उसके साथ फोटोज बनवा रहे थे और हिटलर यहाँ पर न्यू इन्वेंशन देख कर हैरान हो रहा था असल में वो मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले वॉर टाइम को आज के टाइम के साथ इंटरप्ट कर रहा था अब वो एक मॉडर्न कार को देखता है और उसे याद आता है कि उसने ऐसी कार कभी नहीं देखी और फिर वो खुद से क्वेश्चन कर है कि क्या वो कोमा में तो नहीं चला गया था और क्या उसने एक विक्ट्री मिस कर दी है अब हिटलर को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो इससे अवेयर नहीं है और अब वो खुद को सिचुएशन से अवेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो अपने पास खड़े एक आदमी से इस जगह के लोकेशन के बारे में पूछता है लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके साथ पिक्चर बनाने लग जाता है इसके बाद अब हिटलर को एक लेडी नजर आती है जो जर्मन लैंग्वेज में फोन पर बात कर रही थी हिटलर जल्दी से उस लड़की के पास जाता है लेकिन वो लड़की हिटलर को देखकर डर जाती है और उसकी आईज में स्प्रे कर देती है अब हिटलर पेन में लड़खड़ाते हुए न्यूज पेपर शॉप पर जाता है और जैसे ही वो न्यूज पेपर आरोप पर डेट पढ़ता है अक्टूबर 2014 तो वो शॉक हो जाता है और इस कंडीशन में वो वही ग्राउंड पर ही गिर जाता है अब यही पर मूवी के नेक्स्ट सीन में हम एक टीवी स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर उस स्टेशन का बॉस मिस्टर क्रिस्टोफर को उसकी अच्छी जॉब पर अप्रिशिएट करता है लेकिन वो क्रिस्टोफर को एम नहीं बनाता बल्कि वो ऑफिस का एम मिस बिले को बना देता है क्रिस्टोफर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गया था और वो अब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुआ था वो अपने में था। और वहां अपना सारा गुस्सा एक पर निकाल देता है, अपने को करने की बहुत करता है कि वो अच्छा काम करेगा लेकिन को के इस ऑफिस ऐसी बाहर देता है इसके बाद अब इस सीन में हम दोबारा हिटलर को देखते हैं और जैसे ही हिटलर जाता है तो वो एक न्यूज पर था और वो इस शॉप ओनर से आज की डेट कंफर्म करता है और वो शॉप ओनर भी उसे वो डेट 2014 की के बताता है जिसे देखकर वो अब सच में एकदम से

चॉकलेट देता है जिसे हिटलर जल्दी से पहले स्मेल करता है वो इस चॉकलेट को स्मेल करके कहता है कि ये इंडस्ट्रियली प्रेस ग्रेन्स है और अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बताऊँ तो हिटलर इस चॉकलेट को एडवांस ऑटोमेटिक मशीन में बनी हुई चॉकलेट कहता है अब वो शॉप ओनर हिटलर ऐसी पूछता है की हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं तो क्या तुम हमारे लिए काम करोगे और इस बात का है कि उसे कोई जवाब नहीं देता बल्कि उससे एक न्यूज़पेपर मांगता है हिटलर नोटिस करता है कि वो एक तर्कश न्यूज़पेपर है और अब वो उससे एक जर्मन न्यूज़पेपर की डिमांड करता है हिटलर जैसे ही इस न्यूज शॉप से बाहर निकलता है तो वो यहाँ पर कुछ तर्किश लोगों को देखता है और बर्लिन में तर्कश लोगों को देख कर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है हिटलर अब उस न्यूज़ पेपर को पढ़ कर अज्यूम करता है की वो लोग वॉर नहीं जीत सके थे और जर्मनी अब एक अनाड़ी वुमेन के हाथ में लग गया था यानी जर्मनी की प्रेजिडेंट अब एक औरत थी और यहाँ वो रेल करता है की पोलैंड भी अभी तक जर्मनी के साथ एग्जिस्ट करता है और वो कहता है कि अगर वो लोग वॉर नहीं जीत पाए तो वॉर बिल्कुल फजूल थी इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेबियन वो वीडियो देख रहा था जिसके लिए उसे जॉब से निकाला गया था और फेबियन की वीडियो देखते हुए ही उसकी मदर इधर आती है वो वीडियो के अंदर कुछ अजीब नोटिस करती है और फेबियन को फौरन से वीडियो पॉज करने को कहती है और फेबियन की मॉम उस वीडियो के अंदर हिटलर को पॉइंट आउट करती है फेबियन इस डिस्कवरी पर बहुत ज्यादा हैरान होता है अब नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को देखते हैं जो उसी न्यू शॉप पर था और यहाँ शॉप ओनर उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों में से बहुत स्मेल आ रही है तुम्हें तो इन्हें लॉन्ड्री करवा लेना चाहिए हिटलर लॉन्ड्री जाकर उन्हें अपना यूनिफॉर्म धोने को कहता है और वो उनसे एक और और यूनिफॉर्म के लिए पूछता है क्योंकि बगैर कपड़े पहने तो नहीं रह सकता था यहाँ उसे कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलता और नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को जीन्स और स्वेटर पहने हुए देखते हैं अब दूसरी तरफ हम देखते हैं की उस फिल्म मेकर फेबियन के साथ हिटलर को वो शॉपकीपर मिलवाता है और यहाँ फेबियन उसकी अपेयरेंस देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था फेबियन उससे पूछता है की क्या वो के साथ मॉडर्न जर्मनी पर एक फिल्म बनाएगा और हिटलर को फेबियन का आइडिया पसंद आ जाता है अब फेबियन अपनी मॉम से कुछ कैश और उनकी कार लेकर अपने जर्नी के लिए निकल जाते हैं इसके बाद हम हिटलर और फेबियन को लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में था और यहाँ हिटलर को इंटरव्यू लेने के बाद फील होता है की उसके बाद डेमोक्रेसी पर बहुत इम्पेक्ट हुआ वो यहाँ लोगों के अंदर गुस्सा फील करता है और वो फील करता है की आज भी लोगों के व्यूज वैसे ही है जैसे नाइनटीन में लोगो के व्यूज हुआ करते थे यानी इसका मतलब था कि जर्मनी की पॉलिटिक्स अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग एनिमल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं तो एक डॉग हिटलर की फिंगर पर बाइट कर लेता है और हिटलर गुस्से में उस डॉग को ही शूट कर देता है अब जैसे ही को ये चीज नजर आती है तो है तो उसे डांटता यही पर अब इस टूर के दौरान फेबियन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं फेबियन प्लान करता है की वो हिटलर ऐसी स्केचेस बनवाएगा और वो लोगो को बेचेगा और फिर हिटलर लोगो के फनी फनी स्केचेस बनाता है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं और पैसे मिलने के बाद वो अपना ट्रिप दोबारा से कंटिन्यू करते हैं फेबियन के इस जर्मनी के टूर पर बनाए गए क्लिप्स पर बहुत सारे व्यूज आए थे और ये सिर्फ हिटलर की वजह से हुआ था बाद फेबियन अब दोबारा अपने ऑफिस जाता है यानी क्रिस्टोफर के पास जाता है वो क्रिस्टोफर को ये क्लिप दिखाता है जिस पर बहुत सारे व्यूज थे क्रिस्टोफर ये व्यूज देख हैरान हुआ था और वो अब फेबियन से हिटलर और हिटलर का कॉन्टेक्ट मांगता है फेबियन हिटलर को क्रिस्टोफर से मिलाता है लेकिन क्रिस्टोफर को हिटलर पागल लगता है और वो अभी फेबियन से यही कह रहा होता है कि इसको यहाँ से बाहर लेकर जाओ कि इतने में हिटलर डायरेक्टर के ऑफिस चला जाता है और वहाँ जाकर वो मिस से कहता मिलीनी ऐसी दोनों जर्मनी को बचाने का, का काम करेंगे अब मिली क्रिस्टोफर को एक काम देती है और वो क्रिस्टोफर से कहती है की हिटलर के लिए एक शो ब्रॉडकास्ट किया जाए और क्रिस्टोफर जान हिटलर के लिए एक सर्कैस्टिक जोक्स का शो ब्रॉडकास्ट करता है लेकिन जैसे ही हिटलर इस शो पर जाता है और बोलना शुरू करता है तो सारे चुप हो जाते हैं और हिटलर के आइडियाज और व्यूज सुनकर ये शो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है बिलिनी के इस शो को हिट देख कर क्रिस्टोफर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्लान जो खराब हो गया था और फिर उसे कहीं से हिटलर की डॉग को मारने वाली वीडियो मिलती है और वो उसे शो पर ब्रॉडकास्ट कर देता है जिसकी वजह से हिटलर और बिलिनी का करियर बर्बाद हो जाता है और बिलिनी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है और यहाँ अब ऑफिस का डायरेक्टर क्रिस्टोफर को बना दिया गया था अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं की बिलिनी और फेबिन की हेल्प से हिटलर अपनी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी पर एक न्यू बुक पब्लिश करता है जिसका नाम था लुक हुस बैक हिटलर की ये बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और ये बुक इस साल की सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक बन जाती है और अब हमें दोबारा क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर के चैनल से जैसे ही हिटलर जाता है तो उनके चैनल की रेटिंग कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ अब उसका चैनल बिल्कुल फ्लॉप होता जा रहा था और यहाँ क्रिस्टोफर को उसका एक एम्प्लॉय आइडिया देता है की हमें हिटलर को दोबारा हायर कर लेना चाहिए और इस बात को मानकर अब क्रिस्टोफर हिटलर को ढूंढने के लिए निकलता है अब दूसरी तरफ हम देखते हैं की दो नाजि मिलकर हिटलर की पिटाई करते हैं जो की उनके ग्रेट लीडर यानी असल हिटलर का मजाक उड़ा रहा है और अब यहाँ इस वजह ऐसी हिटलर हॉस्पिटलाइज हो जाता है और इस इंसिडेंट के बाद सबकी यानी जर्मन लोगो की सिंपती अब हिटलर के साथ होना शुरू हो जाती है नेक्स्ट सीन में अब दोबारा हम फेबियन को देखते हैं जो अपनी पुरानी फुटेज देख रहा था और वो जैसे ही फुटेज देखने के बाद कुछ रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो हिटलर असल में ही हिटलर है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फौरन हॉस्पिटल जाता है यहाँ हॉस्पिटल के सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही अब हिटलर को होश आता है तो वो अपनी आंखों के सामने बिलिनी को देखता है मैक्सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही फेबियन हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ उसे हिटलर नहीं मिलता बल्कि बिलीनी मिलती है और फेबियन बिलिनी को बताता है कि वो असल में एक हिटलर है लेकिन बिलिनी उसकी बात नहीं सुनती और उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है लेकिन वो हॉस्पिटल के गार्ड से बचकर भाग जाता है यहाँ अब फेबियन मूवी स्टूडियो पहुँचता है और हिटलर की पिस्टल उसके सर पर पॉइंट करता है वो हिटलर से कहता है की तुम एक मॉन्स्टर हो लेकिन हिटलर उसे कहता है की अगर मैं लेकिन हिटलर उसे कहता है की मुझे जर्मनी के लोगों ने सिलेक्ट किया है और अगर मैं एक मॉन्स्टर होता तो ये सारे लोग मुझे वोट क्यों देते यहाँ हम देखते हैं कि फेबियन हिटलर को रूफ टॉप से शूट कर देता है और हमें हिटलर को मरता हुआ दिखाया जाता है लेकिन उसी दौरान हिटलर दोबारा फेबियन के पीछे से अपेयर होता है वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि मैं यहाँ लोगों के दिलों में हूँ और यहीं से हमें दिखाया जाता है कि ये जितना भी सीन चल रहा था ये एक फिल्म की शूटिंग थी और यहाँ पर फेबियन भी असल फेबियन नहीं था बल्कि यहाँ पर कोई और आदमी फेबियन का फेस मास्क कवर करके एक्टिंग कर रहा था और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फेबियन असल में मेंटल हॉस्पिटल है क्यूँकी वो सबको ये बात बता रहा था कि ये इंसान असल में हिटलर है अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही फिल्म पर काम खत्म होता है तो हिटलर अब पॉलिटिक्स में दोबारा वापस आ जाता है और अब वो पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और अब उसके पास पहले से भी ज्यादा पावर थी और अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है की हिटलर और बिलीनी एक कार में बैठे हुए है और यहाँ पर मूवी के लास्ट में हमें हिटलर की एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है जिसमे वो कह रहा था की आई कैन वर्क विद दिस और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है